हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्म्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल के बारे में देखा, तो यहाँ पर पाइथन में कोई इनबिल्ट कीवर्ड नहीं है कांस्टेंट के लिए, जैसा कि सी या सी प्लस प्लस में है। आप इस कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल बनाते हैं और एक बार वहाँ पर वैल्यू देने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट जैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप एक्सटर्नल कोई लाइब्रेरी का यूज़ करके ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको पाइथन के पूरा कंप्लीट सीरीज़ देने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत से लोगों का कहना है कि उनको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पर जाए, वहाँ पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए आज हम कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आईडी, जो कि है थोनी, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन में जो कांस्टेंट होता है वो अदर जो लैंग्वेज है उसकी तरह नहीं है। जैसे सी या सी प्लस प्लस की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी एक कीवर्ड है जिसके जरिए हम इसको डिफाइन करते हैं या फिर लिखते हैं। मीन्स वहाँ पर आप उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू आपने एक बार दे दी तो प्रोग्राम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में कोई इनबिल्ट कीवर्ड नहीं है कांस्टेंट के लिए। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम बनाते हैं वो मॉड्यूल लेवल पे बनाते हैं। मींस एक आप प्रोग्राम बनाते हैं या फिर फाइल बनाते हैं जहाँ पर आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, फिर आप उसको दूसरे मॉड्यूल में यहाँ पर यूज़ करते हैं। देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक कांस्टेंट बनाते हैं पाई और इसको इस तरह से नाम देते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू देते हैं 3.14, जो कि इसकी वैल्यू होती है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव, और पाइथन फाइल का नाम है तो यहाँ पर हम नाम देते हैं इसको कांस्टेंट, और पाइथन फाइल है तो .py से स्टोर करेंगे, सेव। अब आप इसको दूसरे मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल के बारे में मैं आगे के प्रोग्राम में आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ सिंपली कांस्टेंट के लिए हमको यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। अब इस प्रोग्राम को कट कर लेते हैं, अभी क्लोज कर लेते हैं और न्यू फाइल ओपन करते हैं। और यहाँ पर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट फाइल का नाम जो हमने दिया था, उसको कांस्टेंट हमने उसको नाम दिया था, तो कांस्टेंट, एंटर। अब हम इस प्रोग्राम में उस मॉड्यूल में जो भी हमने बनाया है, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल या फिर फंक्शन, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ पाई, तो मैं वैल्यू ऑफ पाई और वहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कॉमा इस तरह से लिखेंगे। फाइल का नाम जो है कांस्टेंट डॉट, अब वहाँ पर जो वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए वेरिएबल का नाम जो है लिखते हैं पाई। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, सेव, नाम लिख लेते हैं इसका प्रोग्राम एक्सटेंशन .py पाई, सेव कर लेते हैं। और इसको रन करने के लिए ये फाइल है पाइथन की, तो इसको सिंपली रन करने के लिए क्लिक करेंगे रन पर, और नीचे आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ पाई पीआई प्रिंट हो रहा है 3.14। तो यहाँ पर हमने कोई अलग से वेरिएबल नहीं बनाया है, ये अलग मॉड्यूल मींस अलग फाइल पे हमने बनाया है। यहाँ पर हमने अपने इसको प्रोग्राम में यूज़ किया है। तो इस तरह से आप कॉन्स्टेंट एक फाइल पर बना के रख सकते हैं और अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। और नेम के लिए यहाँ पर आप ऑल कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। केवल यहाँ पर सिंपली आप नॉर्मल वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में अलग यानी डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ऑल कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर प्रिंट पहले कर लेते हैं, प्रिंट, अगर इसका टाइप हम प्रिंट करना चाहते हैं, टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे टाइप, और जो मॉड्यूल है वो है कॉन्स्टेंट, जो हमने फाइल का नाम सेव किया था जहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट लिखा था, डॉट, वेरिएबल का नाम है pi, और यहाँ पर इसको रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो टाइप है वो प्रिंट हो रहा है फ्लोट। लेकिन आप अगर चेंज करना चाहें इसकी वैल्यू तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ फिर से उसको रीअसाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट डॉट pi और इसको न्यू वैल्यू दे देते हैं 10.1, एंटर। तो ये रीअसाइन हो गया। आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रिंट वाली लाइन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एडिट, कॉपी, यहाँ पर सिंपली कर देते हैं पेस्ट, और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पाइथन सेल के लिए, और पाइथन सेल क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने फर्स्ट एक बार रन करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट हमने जो वैल्यू दी हुई थी वो प्रिंट हुआ,
क्योंकि हमने उसको प्रिंट कराया है सीधे, लेकिन बाद में हमने उसको रीअसाइन किया है, उसको वैल्यू दी है 10.1। तो दूसरी बार फिर जब हमने प्रिंट कराया तो उसकी न्यू वैल्यू प्रिंट हो रही है 10.1। तो इस तरह से यहाँ पे आप कांस्टेंट को बना तो सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, या बाकी प्रोग्रामिंग की तरह नहीं है जहाँ पे आप वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रीअसाइन ना हो सके तो यहाँ पर आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर इसका नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा। तो देख लेते हैं कि लाइब्रेरी किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली टूल में जाएंगे, मैनेज पैकेज में जाएंगे और यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए, एंटर सर्च करेंगे और सर्च करने पर ये आपको यहाँ पर उसका नाम मिल जाएगा, जो भी लाइब्रेरी आप सर्च करेंगे। इसी तरह से दूसरी लाइब्रेरी को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ इंस्टॉल करेंगे। फिर इंस्टॉल होने के बाद आप इस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर लेते हैं और एक नया प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर सिंपली इसको समझने के लिए। इसको क्लोज कर लेते हैं, न्यू फाइल, और पाइथन सेल को भी क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर उस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी का जो नाम है, फिर इंपोर्ट कीवर्ड। इसके बारे में, इंपोर्ट के बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे, यहाँ पे केवल कांस्टेंट समझने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और सिंपली यहाँ पर हम कांस्टेंट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, वी एल वैल्यू दे देता हूँ और इसको मैं देता हूँ 100। तो यहाँ पर ये स्टोर हो गया। अब इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट और एक मैसेज लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ वीएल और यहाँ पर कॉमा वेरिएबल का नाम डॉट वीएल। अब इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जो हमने वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही 100। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, मीन्स आप इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते अगर आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं तब। तो अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ डॉट और इसको फिर नई वैल्यू देते 100, अब इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से पाइथन सेल क्लियर कर लेते हैं, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते इस फाइल में आगे, यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते ये हमने देख लिया। अब इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, यानी डेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, डेल डॉट वी एल, फिर प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पर तो फिर यहाँ पर एरर आएगा कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे इनबिल्ट यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है कांस्टेंट बनाने के लिए, आप अलग से मॉड्यूल पे बना सकते हैं और अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ऑल कैपिटल कीवर्ड का यूज़ करेंगे इसका नाम लिखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर इसको रीअसाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से आप लाइब्रेरी का यूज़ करके इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते और डेल कीवर्ड का भी यूज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में डिटेल में देखा। इसी तरह से आगे हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कांस्टेंट के बारे में देखा, इसी तरह हम आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।